खबर जनपद चमोली से है, जहां केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा द्वारा शनिवार को बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान वो ऑल वेदर रोड के कार्य से खासा संतुष्ट नजर आए। वहीं निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और डबल इंजन की सरकार राज्य में चौमुखी विकास के लिए काम कर रही है। इसके आगे उन्होंने कहा कि कई जगह बरसात के चलते श्रद्धालुओं को दिक्कतें भी आ रही हैं, उनको संबंधित संस्थाएं प्राथमिकता के आधार पर सही करेंगे। साथ ही ऑल वेदर रोड बनने से चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को भी सुविधा हो रही है और वो आसानी से यात्रा कर पा रहे हैं। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। बड़ा सौभाग्य कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मुझे आपने सरकार में काम करने का अवसर दिया। आदरणीय नितिन गडकरी जी के आशीर्वाद से हम लोग काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत सारा योगदान हमारे इन सड़कों के लिए, क्योंकि हमको स्टेट गवर्नमेंट से बहुत सारी चीज़ें लेनी होती है, सहमति लेनी होती है, अनुसी लेनी होती है, उनका भी बहुत सहयोग है। हम लोग बहुत सौभाग्यवान हैं कि प्रधानमंत्री जी ने हमें ऑल वेदर रोड दिया है, जिसमें चार धाम की कनेक्टिंग हुई है। वहीं आदि कैलाश के लिए भी उन्होंने हमको ऑल वेदर के तहत जोड़ा है, जिससे उत्तराखंड राज्य का जो हाइपोथीसिस थी, जो परिकल्पना थी कि राज्य बने, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ की सड़कें अच्छी हो, और उसका परिणाम है। मंत्री बनने के बाद मेरा आदि कैलाश का दौरा भी पूरा हुआ है। कुमाऊं के अंतिम गाँव और भारत का पहला गाँव और गढ़वाल में माणा तक मेरा जाना हुआ है, तो स्वयं मैंने स्थलीय निरीक्षण किया है और देखा है कि इस रोड का बहुत बड़ा लाभ हमारे सब लोगों को मिल रहा है। क्योंकि नई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं तो कहीं ना कहीं पहाड़ों में भी दिक्कत आती है, और उन पहाड़ों की रोकथाम के लिए भी भारत सरकार के माध्यम से हम काम